हे स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा चिकी एमुलेटर के सारे कंट्रोल्स, A to Z सारे कंट्रोल्स की इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को दूंगा। तो इसके सारे कंट्रोल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अगर आप कोई दूसरा भी एमुलेटर यूज करते हो तो उसमें भी यही बेसिक कंट्रोल्स होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे सारे कंट्रोल्स जान सकते हो। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला कंट्रोल है हमारा गाड़ी में बैठने का। गाड़ी में हम बाई से बैठते हैं और आगे पीछे का बताता हूँ। एंड ब्रेक, गाड़ी बैक जाती है LT से, बाइक हो या गाड़ी हो, और RT से जाती है आगे, और RB से रखते हैं ब्रेक। ये देख सकते हो RB से ब्रेक रख गए, सॉरी ब्रेक लगेंगे, और LT से पीछे जाएगी और RT से आगे जाएगी। ये हो गया। और म्यूज़िक ऑफ करने के लिए आपको ये बार बार दबाना पड़ेगा। तो यहीं पर ऐसे चलते रहेंगे, मतलब बहुत सारे साउंड है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेडियो ऑफ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये गाइस देख सकते हो रेडियो ऑफ आ चुका है। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। तो गाइस, करेक्टर को भगाने के लिए आपको बार बार ए दबाना पड़ेगा, ए बार बार दबाना पड़ेगा आपको। एक बार दबाओगे तो ये एक ही बार भाग के रुक जाएगा, आपको बार बार दबाना पड़ेगा। गाइस, करेक्टर को जंप कराने के लिए आपको एक्स दबाना पड़ेगा, जैसे करेक्टर भाग रहा है। एंड जब भी आपको एक्स दबाना पड़ेगा और जंप मारेगा, एंड किसी चीज़ के ऊपर कुछ चढ़ाना है तो भी एक्स ही चाहिए। और गाइस, अगर आपको एक नॉर्मल मुक्का मारना है तो वो बी से लगेगा, एंड लाते पाते भी है उसी से मारेगा। और आप गन की गोली कैसे मारेगा, सबसे पहले तो आपको गन लेने के लिए LB दबाना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर की आ जाएगी। एंड आपको LB को दबा के रखना है, एंड अपनी स्क्रीन को जिधर स्लाइड करोगे वो गन आ जाएगी, एंड सारी गन देख जाएंगी आपकी। एंड फिर RT से गोली लगेगी और B से जो है रिलोड होगी। RT से गोली लगेगी, B से रिलोड होगी। अब मैंने बता दिया है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और हाँ, आपको इसमें स्कोप खोलने के लिए यानी कि एम करने के लिए LT को दबा के रखना पड़ेगा, तो ये सिर्फ डॉट की तरह वो हो जाएगा। एंड स्कोप के लिए भी यही करना है स्नाइपर में। तो ये हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। तो गाइस, आपको मैप खोलने के लिए ऊपर बराबर वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, एंड ए पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब आप कहीं पर भी मार्क लगाना चाहते हैं, और अगर आपने कहीं में मार्क लगाने का सिलेक्ट कर लिया है, आपको वहां पर दोबारा से ए पर क्लिक करना है, एंड वहां पर मतलब मार्क लग जाएगा। और इसको बंद करने के लिए आपको बी पर टैप करना है, बी पर टैप ही करते रहना जब तक नहीं कटे, और ये कट जाएगा। तो देख सकते हो ये कट चुका है। और आपको फ़ोन निकालने के लिए इस वाले बटन पर टैप करना है, एंड ये आपको फ़ोन निकल जाएगा। और इसको काटने के लिए भी बी पर क्लिक करना है। ओके, आपको करेक्टर चेंज करने के लिए इस बटन को होल्ड करके रखना है, एंड अपनी स्क्रीन को जिधर साइड स्लाइड करेंगे वो आपका करेक्टर लग जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। आपको सोने को और अपने गेम सेव करने के लिए इस वाले बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा बेड के साइड आकर, और आपका माइकल सो जाएगा जोन से करेक्टर होएगा, और इसी से आपका गेम सेव होता है। अगर आपने कोई गाड़ी अपने गैराज में खड़ी कर दिया है तो यही से हो जाएगा। और आपको ए पर सिलेक्ट करना है, ए से ही, मतलब ए से तो ये समझना आप इसका ओके का बटन है ए, आप ये समझ लो, और बहुत चीज़ें ए से होती हैं, समझ गए। तो गाइस, आपको कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे आना है, एंड आपको ये वाला बटन दबाना है, तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। और यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा इन बटनों से ऊपर नीचे होता है, तो आपको इसमें से कोई करने के बाद ए बटन पर क्लिक करना है। समझ लो ये बटन तो सिलेक्ट करा, जैसे मैंने आउटफिट पर क्लिक करा, एंड यहाँ पे ये कपड़े आ चुके हैं मैं नीचे कर रहा हूँ तो। और आपको फिर से ए पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं अब कर रहा हूँ, ए पर क्लिक कर दे, अब ये वाली ड्रेस सिलेक्ट हो गई है। और अब मैं यहाँ से कट करता हूँ, आपको बी पर कट देना है, मतलब बी करना है तो ये कट हो जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ बी पर क्लिक, एंड ये देख सकते हो ये कट हो चुका है। एंड अब आप देख सकते हो ये आउटफिट मेरी लग चुकी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट बटन पर। तो नेक्स्ट बटन ये है, आपको कहीं पर कवर लेना है जब आप फाइट कर रहे हो, तो आपको RB दबा देना है, जैसे मैं दबा रहा हूँ RB, और ये देख सकते हो ये कवर ले लिया है इसने। एंड कहीं पर भी हो RB दबा देना है आपको, और आपको पता तो है ही LB से गन चेंज करते हैं, RB दबा देना है तो ये कवर ले लेगा। एंड आपको जब चुप चुप के चलना होता है, जब मतलब गार्डनर को मारना होता है माली वाले में, कहीं ना कहीं चुप चुप कर चलना पड़ना होता है, तो वहाँ पर LS का काम होता है। एक मिनट अभी दिखाता हूँ मैं आपको, LS दबा के रखना है, और आप देख सकते हो बहुत स्लो स्लो, मतलब चुप चुप के चलोगे जो किसी को पता ना चले, ये देख सकते हो LS आपको दबा के रखना पड़ेगा। तो गाइस, जहाँ तक कि मैंने आपको सारे कंट्रोल्स बता दिए हैं, और अगर आपको और कंट्रोल्स पर भी वीडियो चाहिए कुछ भी किसी भी कंट्रोल्स पर, तो आप सिर्फ सिंपली मेरे को कमेंट में बता देना, हमको इस पर कंट्रोल बताओ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जहाँ तक कि मैंने सबसे ज़्यादा तो मतलब सारे ही कंट्रोल्स आपको बता दिए हैं, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।